5 मिनट से भी कम लगेगा इसको बनाने में। जी हाँ, ऐसा आइडिया कि इसको बनाए बिना नहीं रह सकते। जी हाँ, आज का वीडियो सिंपल भी है और साथ ही साथ बहुत यूजफुल भी है। जैसे कि ये वाली कुर्ती, ये मेरी एक अनारकली है और इसको मैं यूज़ करूँगी सबसे बेस्ट जो इसका हो सकता है। इसकी जो कलियाँ हैं ना, ये काफ़ी पुरानी, मतलब काफ़ी इसका रंग भी उड़ चुका है और अब इसको पहनने लायक ये नहीं है। लेकिन इसका जो अपर पोर्शन है, इसे पूरा सीक्वेंस वर्क है, ये सेम ऐसे ही है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो मैं इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, इसका जो वर्क है, उसको ही यूज़ करूँगी। बाकी जितना बॉर्डर अच्छा है उसको भी हम निकाल लेंगे, ऊपर का पोर्शन निकालेंगे, साथ ही साथ स्लीव को भी कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पूरा एक ब्लाउज जैसा शेप आ जाएगा। जी हाँ, ये ऊपर की चोली ही है जो पूरा मैंने कट कर लिया है। अब नीचे का जो बॉर्डर है ये ठीक है और मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ एकदम डिज़ाइनर ब्लाउज़, और उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैं इसके बॉर्डर को यूज़ करूँगी। बॉर्डर तो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ देखिए खूबसूरत भी लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन इसमें एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। तो अगर आपके अनारकली में इस तरह का बॉर्डर है तो जरूर अटैच करिए, नहीं तो आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो इनको ज्वाइन करने से पहले ब्लाउज में जो डॉट्स होते हैं उनको भी हम अटैच कर लेंगे। कपड़े को उल्टा करने के बाद अब हम फ्रंट में डॉट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जिनके गले बैक साइड होते हैं, मतलब जो बैक गला होता है, उसमें फ्रंट में हम ये डॉट डालते हैं ब्लाउज की तरफ, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, कपड़े को फोल्ड करके एकदम सेंटर पे निशान लगाना है, और ये रहा इसका, जैसे कि ये सेंटर है, तो सेंटर से आपको 4 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है और ऊपर से 9.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। 9.5 या फिर आप 10 भी लगा सकते हैं, बस यहाँ से 4-4 इंच का एक गैप लेना है आपको। देखिए, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है, बस इसको पकड़ के आप 1/2 इंच का दबाते हुए पूरा लाइन खींच लें, बस ये आपका फ्रंट डॉट हो जाएगा। तो निशान लगाया हमने कपड़े पे, इसको ऐसे उठाइए और सीधे मशीन पर ऐसे रख करके पूरा सिल दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ निशान पर ही सिलना है और कुछ ही मिनट में ये प्रॉपर बन जाएगा। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट डॉट बन गया। अब कुछ नहीं करना है इस ब्लाउज में, आपको सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ानी है और ये पूरा रेडी हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने जो बॉर्डर कट करा इसको अटैच कर लेंगे। बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। और अब इसके कॉर्नर को हम ऐसे फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप काज बटन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जिप भी अटैच कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर फिनिश हो गया है काज बटन करके। अब आर्मोल पे जो हमने कटिंग करी थी ना स्लीव्स की, आपको कुछ नहीं करना है, बस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई चला दीजिए। चाहे तो आप बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं पतला कोई पाइपिंग जैसा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी जैसे नॉर्मल हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। बस ये पूरा आपका ब्लाउज कुछ मिनट में रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको आर्मोल को ही फिनिश करना है, नेक इसमें ऑलरेडी रेडी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और प्रॉपर एक ब्लाउज बन गया है स्मार्ट सा। तो देखिए, यहाँ कॉर्नर भी मैंने फिनिश कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैंने पतली सी डोरी इसमें स्टिच कर दी है और इसमें आप नॉट इस तरीके से बांध सकते हैं। और इस नॉट को फिनिश करा है मैंने इसी के जो लेस है उससे ट्रायंगल बना करके। तो एकदम यूनिक सा डिज़ाइन है, एकदम यूनिक सा आइडिया है। आप अपनी कुर्ती से ब्लाउज बना सकते हैं सिर्फ कुछ मिनटों में, वो भी बिना नाप के। तो एकदम यूनिक आइडिया है, आपने ऐसा आइडिया कहीं नहीं देखा होगा। अपनी कुर्ती को इस तरीके से ब्लाउज में कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी प्यारी सी आपकी कुर्ती है उसको और भी प्यारा बना दीजिए। तो है ना अमेजिंग सा आइडिया। इन आइडिया के लिए मैं ले रही हूँ ये एम्ब्रॉयडरी कुर्ती और इसमें देखिए आगे की ओर वर्क भी है और इसका आगे की ओर स्लेट भी खुला है। तो दो पार्ट से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब पीछे की सिलाई खोल दी तो ये दोनों पार्ट अलग हो गए।
यहाँ पर देखिए मैं साटिन का फैब्रिक भी यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ लाइनिंग में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लाउज का पीस मेरे पास बचा हुआ था और बीच में लगाई है मैंने फोम शीट। ठीक है, बस इतना ही। अब इसमें हम देखिए रख करके इस तरह से देखिए ब्लाउज पीस है और इसको क्विल्टिंग कर लेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ बता दूँ, यहाँ पर लेंथ जो मैंने ली है 20 इंचेस ली है। ये देखिए 20 इंचेस की मैंने लंबाई रखी है, तो एक इंच और बढ़ा देंगे 21 पे आ जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 25 इंच रखी है। इसी तरह देखिए मैं दो कपड़े तैयार कर लूँगी क्योंकि मैं दो पिलो बना रही हूँ। सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े का भी सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए और इसको बीच में रख देंगे और अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। कपड़े को अंदर की ओर दबाते जाइए ताकि इसकी सिलाई एकदम सीधी आए और ये एक ही सिलाई में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, बस इसी के बराबर इसको कपड़े को अंदर कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको तो मैंने रेडी कर लिया है, अब दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे सेम इसी प्रोसेस से। 5 इंच कपड़ा चौड़ा ले रहे हैं देखिए इस तरीके से और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम होल बना लेंगे ताकि इसमें डोरी चली जाए। बाकी कपड़े को हम अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पे, तो ये एक पोर्शन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये 5 इंच चौड़ा है और जब आप इसको स्टिच करेंगे तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। इसको मेन फैब्रिक से अटैच कर लीजिए। ये देखिए मैंने कपड़े को उल्टा रखा और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है पूरा रेडी और एक साइड से तो मैंने डोरी डाल दी और दूसरे साइड से मैं इसको बंद कर दूंगी। और बंद करने के लिए कपड़े को उल्टा करके इसकी जितनी चौड़ाई है वो नाप लेंगे और उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बड़ा सा सर्कल लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा हो जाए तो भी आप इसको फोल्ड करते हैं या फिर छोटी छोटी चुनटे भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। बस इस सर्कल को उल्टा करके पूरा अटैच कर लीजिए और कुछ मिनट में ये भी आपका रेडी हो जाएगा। फ्लिप करके इसको कर देते हैं सीधा और फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए पुरानी कुर्ती से मैंने बनाए हैं दो बूस्टर जिसे आप डेली भी यूज करना चाहेंगे और जब कुछ फेस्टिवल हो या फिर कुछ खास हो इसे आप तब भी यूज कर सकते हैं। साटिन से बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसमें जो वर्क है एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप बस किसी भी फोम के टुकड़े के साथ इसे बनाइए, हमेशा चलने वाला ये आइडिया है। एक कुर्ते से बनाए हैं दो पोस्टर और साथ ही साथ एक कुर्ती जो अनारकली थी उससे मैंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा मॉडर्न ब्लाउज। जी हाँ, जिसे आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से पहन भी सकते हैं। अच्छा लगे आपको आज के ब्यूटीफुल से ये आइडिया, अगर पसंद आए हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।